हेलो एवरीवन, जय माता दी। बसंत पंचमी में क्या किया जाता है और क्या नहीं करना चाहिए, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की पूजा के लिए समर्पित है, जो हिंदू धर्म में ज्ञान, कला और संगीत की देवी मानी जाती है। इस दिन लोग माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं और देवी को किताबें आदि चढ़ाते हैं। इस दिन स्नान करके पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इस दिन विशेषकर विद्यार्थी पढ़ाई में सफलता हासिल करने के लिए माँ सरस्वती की पूजा करें। माँ सरस्वती को मोदक के लड्डू और मीठे पीले चावल का भोग लगाएं। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि माँ सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने वालों को विद्या और बुद्धि का वरदान मिलता है। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं ये 10 बातें। नंबर 1, बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। नंबर 2, इस दिन झगड़े से भी बचना चाहिए। नंबर 3, बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा सेवन से दूर रहें। 4, बसंत पंचमी के दिन पितृ दर्पण भी किया जाना चाहिए। 5, इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी है। 6, बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। 7, इस दिन रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए, संभव हो तो पीले वस्त्र जरूर पहने। 8, बसंत पंचमी के दिन पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। 9, बसंत दिन पितृ दर्पण भी किया जाना चाहिए। 10, इस दिन कलम कागज दवात का पूजन करें, स्टेशनरी के सामान का अपमान ना करें। बसंत पंचमी के दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को ही देखें, इसके बाद माँ सरस्वती का ध्यान करें। बसंत पंचमी के दिन अपने बच्चों के हाथ से माता सरस्वती को पीले रंग के फल और फूल जरूर अर्पित करें। इस दिन अपने बच्चों के कमरे में माता सरस्वती की तस्वीर जरूर लगाएं। बसंत पंचमी के दिन मोदक के लड्डू हो या मीठे पीले चावल का भोग जरूर लगाएं। इस दिन हो सके तो पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। बसंत पंचमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन क्रोध करने से बचना चाहिए, इससे माँ सरस्वती की पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है। बसंत पंचमी के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन इन चीज़ों का करें दान, बदल सकती है किस्मत। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा और व्रत करने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन विशेष चीज़ों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन करें ये चीज़ों का दान। बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती को समर्पित है, ऐसे में पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का श्रद्धा अनुसार बच्चों में दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ सरस्वती को पीला रंग बेहद प्रिय है, ऐसे में इस खास अवसर पर पीली रंग की चीज़ों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन फूलों का दान करना लाभकारी होता है। आप किसी भी फूल का दान कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा के दौरान उन्हें फूल अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि फूल का दान करने से वाणी बुद्धि और आंतरिक कुशलता मिलती है। बसंत पंचमी के मौके पर किसी कन्या या फिर किसी ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार वस्त्र दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में खुशियों का आगमन होता है और माँ सरस्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। माँ सरस्वती की पूजा के दौरान मिठाई अर्पित करें, इसके पश्चात लोगों में प्रसाद का वितरण करें। ऐसा करने से माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न होती है।
तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।